पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है, किसी के डिक्टेट के आधार पर जीने की उसे जरूरत नहीं है। ये सामान्य बदलाव नहीं, बाकी चीजों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता। पुराने दिन कई लोग कहते हैं यहां के कि लौटने लगे हैं, और जब पुराने दिन लौटने लगे हैं तो ये दिन कायम रहे और बेहतर हो सके, जो जैसा पहले कश्मीर था, उसके लिए सद्भावना और राष्ट्रीय एकता, ये सदियों पुरानी हमारी परंपरा रही है, मिलजुल करके ही इसे एक बनाया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो चर्चा यहां हुई है और जो लोग इस सभागार में मौजूद हैं, उनसे मेरा निवेदन भी होगा कि आप इस दिशा में निर्देशन भी करें, और कश्मीर का हर नागरिक इस उद्देश्य के साथ आजादी के अमृत काल में अपना योगदान जम्मू कश्मीर के विकास में भी दे और भारत के उत्थान में भी। इतनी नज़में पढ़ी गई कि मुझे भी कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। संचालक महोदय, इतना मुझे याद नहीं, मैंने लिख लिया है इसलिए। राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, कल्ब मुजतर तो सबो रोज नहीं चैन जरा, दिल में अरमा है कि आ जाए वतन में रघुवीर, याद में उनकी कलेजे में चुभे हैं नस्तर, याद में उनकी कलेजे में चुभे हैं नस्तर। हम एक हैं, यही भावना हमारी असली पूंजी है। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो थे, उनकी भी विरासत यही है। इस दुनिया में ऐसी अनेक ताकतें जो कोशिश करते हैं लोगों को भटकाने की, फूट डालने की, उनसे सावधान रहना सदैव जाए। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सद्भावना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, और उन्हें इस बारे में ये बताया कि किस तरह से जो सद्भावना है वो काफी अहम है और तरक्की के लिए जरूरी है कि मेल मिलाप हो।